नमस्कार, न्यूज प्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। बांदीकुई से पवन कुमार सोनी की रिपोर्ट के अनुसार राजपूतकरणी सेना के जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह जी बांदीकुई के नेतृत्व में ब्रिजवासी होटल बांदीकुई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस वार्ता के दौरान 5 ही टिकटों की मांग, जिसमें से एक टिकट श्री राजपूतकरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को देने की मांग की गई। जसवंत सिंह बांदीकुई ने बताया कि राजपूत समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी कोर वोटर रहा है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं राजपूत समाज की अनदेखी की जा रही है, जिसका हाल ही में उदाहरण राजस्थान के 15 लोकसभा टिकट में से मात्र एक टिकट राजपूत समाज के गजेंद्र सिंह जी शेखावत को जोधपुर से दिया गया है। इस वार्ता के दौरान श्री राजपूतकरणी सेना के जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह बांदीकुई ने कहा, यदि भारतीय जनता पार्टी श्री राजपूतकरणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना की ओर राजसमंद या जयपुर ग्रामीण में से एक टिकट देते, तो राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। जसवंत सिंह बांदीकुई ने बताया, 24 राज्यों में श्री राजपूतकरणी सेना है। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी अनदेखी करती है तो उसका नुकसान सीधे सीधे 24 राज्यों में होगा। इसी दौरान जसवंत सिंह बांदीकुई ने कहा, यह वही श्री राजपूतकरणी सेना है जिसने 2018 में आनंदपाल प्रकरण के दौरान एक नारा दिया था, कमल का फूल हमारी भूल, और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया था। महिपाल सिंह जी मकराना, मात्र और मात्र सिर्फ एक टिकट की हमने मांग की है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महिपाल सिंह जी मकराना के लिए। अगर वो टिकट अगर भारतीय जनता पार्टी देती है तो 24 राज्यों में जो हमारी करनी सेना है वो पूर्ण तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर तो रही था, लेकिन इस बार पूरे जोश के साथ में उसका समर्थन करेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।